अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक और नई क्लास के साथ आपके साथ सामने हाजिर हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम आज एक और नई चीज़ के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और पेज नंबर 28 से 29 स्टडी करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम हम जो है वो स्टडी कर रहे थे पानी के बारे में। हमारा मेन टॉपिक था क्या? पानी। पानी में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ज़मीन के ऊपर पानी कितना फ़ीसद मौजूद है, पानी किन किन शक्लों के अंदर पाया जाता है, सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। समंदर और बहर के बारे में भी स्टडी कर लिया था। समंदर और बहर क्या है? दोनों एक ही हैं, नमकीन पानी के, दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? बहर जो है वो गहराई में बड़े होते हैं और उनकी जो रकबा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। समंदर का रकबा बहर से कम होता है, उसकी गहराई भी कम होती है। समंदर के इर्द गिर्द खुश्की वाली जगह मौजूद होती है, लेकिन बहर के इर्द गिर्द खुश्की वाली जगह मौजूद नहीं होती। इसके बाद हमने दरिया के बारे में भी स्टडी किया था, ठीक है। तो हमने दरिया के बारे में भी स्टडी कर लिया, आज हम स्टडी उसके बाद नहर के बारे में भी स्टडी किया। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं झील के बारे में। किसके बारे में? कि झील क्या होती है। झील के बारे में स्टडी करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। दरिया का एक टॉपिक रह गया था छोटा सा, सही है। दरिया पाकिस्तान में कितने पाए जाते हैं? पाकिस्तान के कितने दरिया हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के कितने दरिया हैं? 5 दरिया हैं। कितने दरिया हैं? 5 दरिया हैं। कितने हैं? 5। पेज नंबर 28 पे आपके पास डायग्राम भी बनी हुई है। इसके अंदर दरिया जो है वो आपको बताए भी गए हैं कि किस किस इलाके में पाए जाते हैं। उनको बताया भी गया है कि कहाँ से बहते हुए पाँचों के पाँचों दरिया आते हैं। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 28 पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनके नाम लिख रहा हूँ दरियाओं के जो हैं। पहला दरिया है दरिया जहलम। क्या नाम है? दरिया है जहलम, ठीक है। दूसरा दरिया है दरिया सतलज। दरिया सतलज, दरिया चिनाब, दरिया रावी, दरिया चिनाब। और दरियाए रावी और लास्ट में दरियाए सिंध। दरियाए रावी और दरियाए सिंध। प्यारे बच्चों, ये 5 जो दरिया हैं ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। दरिया जहलम, दरिया सतलज, दरिया चिनाब, दरिया रावी और दरियाए सिंध। दरियाए सिंध इन तमाम के तमाम दरियों में क्या है प्यारे बच्चों? सबसे बड़ा दरिया। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? आप कौन सा दरिया बताएँगे? दरियाए सिंध है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बात क्लियर हो गई। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है? झील है। झील क्या होती है? प्यारे बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा कि एक खुश्की वाली जगह है, उसके चारों तरफ पानी है। सपोज़ दैट ये आपकी वर्ल्ड है, ये आपकी खुश्की वाली जगह है, इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, सही है। ऐसी जगह जो कि खुश्की वाली जगह हो, मिसाल के तौर पर ये आपकी जगह है, इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। मैं एक जगह मिट्टी रखूं, सही है, थोड़ी सी मिट्टी डालूं एक फर्श के ऊपर, उसके चारों गिर्द पानी पानी फैला दूं, सही है, तो उसके तरफ क्या क्या हो जाएगा? खुश्की वाली जगह के करीब चारों तरफ पानी। ऐसी जगह जिस जो कि खुश्की वाली हो, उसके चारों तरफ पानी हो, वो कहलाती है आइलैंड। क्या कहलाती है? आइलैंड। अगर इसका ही उल्टा कर दो, क्या कर दो? इसका ही उल्टा कर दो। बीच में अब कौन सी थी? खुश्की वाली जगह थी। अगर इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? बीच में पानी और चारों तरफ क्या आ जाएगी? खुश्की। तो प्यारे बच्चों, ऐसी जगह जिसके तहत ऐसी जगह जिसमें बीच में पानी हो और उसके चारों तरफ क्या हो? खुश्की हो। क्या हो? खुश्की हो, झील कहलाती है। क्या कहलाती है झील? ऐसी जगह जिसके चारों तरफ क्या हो? खुश्की हो और बीच में क्या हो? पानी हो, वो क्या कहलाएगी? झील। लेकिन अगर इसका उल्टा करोगे तो क्या कहलाएगा? आइलैंड। बीच में खुश्की और चारों तरफ क्या हो? पानी, तो आइलैंड। अगर बीच में पानी और चारों तरफ खुश्की है तो क्या कहलाएगी? झील कहलाएगी। बात समझ आई झील क्या होती है? वेरी गुड। तो लिख लेते हैं हम, पानी का ऐसा ज़खीरा, पानी का ऐसा ज़खीरा जिस के चारों जानिब खुश्की मौजूद हो। बात समझ आई झील क्या कहलाती है?
पानी का ऐसा ज़खीरा जिसके चारों जानिब क्या हो, खुश्की मौजूद हो। सपोज डेट बीच में आप जो है वो एक पानी जो है वो पानी जो है वो एक चारों तरफ जो है वो आप खुश्की वाली जो है वो आप फरिश्ती बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप आपके घर में अगर जो है वो घर बन रहा है आपका, तो उसके लिए पहले सीमेंट बीदी वगैरह मिलाते हैं, फिर सीमेंट और बीदी को चारों तरफ से फैला देते हैं और बीच में पानी डालते हैं बिल्कुल इसी शेप के अंदर, ठीक है। यानी चारों तरफ क्या हो जाए, खुश्की हो जाए और बीच में क्या आ जाए, पानी आ जाए, तो वो जगह कहलाती है आपकी झील। पानी का ऐसा ज़खीरा है जिसके चारों जानिब खुश्की मौजूद हो, ऐसी जगह क्या कहलाएगी, झील कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से पेज नंबर 29 ओपन करें। वेरी गुड, फिंगर रखें तमाम बच्चे पेज नंबर 29, जल्दी से फिंगर रखें। वेरी गुड, चले देखें। पानी का ऐसा बड़ा ज़खीरा जो कि चारों जानिब ज़मीन से घिरा हुआ हो, झील कहलाता है। झील का पानी दरिया की तरह बहता नहीं है। झीलें कुदरती तौर पर पाई जाती हैं और मसनूई तौर पर भी बनाई जाती हैं। झीलें मीठे पानी की भी हो सकती हैं और नमकीन पानी की भी हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों बात क्लियर हो गई, झीलें जो है वो किसकी भी हो सकती हैं, मीठे पानी की भी और किसकी हो सकती हैं, नमकीन पानी की भी हो सकती हैं। झीलें मीठे पानी और नमकीन पानी दोनों की हो सकती हैं, ठीक है। मीठे पानी और नमकीन पानी दोनों की हो सकती है। मीठे पानी की भी हो सकती है और किसकी हो सकती है, नमकीन पानी यानी आपके खारे पानी दोनों की हो सकती है। जहन में बात रखिएगा, ठीक है। लास्ट में हम क्लास वर्क करेंगे तो उसमें सवाल आ सकता है, ठीक है। चले आगे देखें। ज़्यादातर झीलों में पानी की एक जगह से दाखिल होता है और दूसरे रास्ते से निकल जाता है। झीलों में पानी बारिशों दरिया और नदियों से आता है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में ठट्टा के नज़दीक कैंचर झील है, इसको करली झील भी कहते हैं। करली झील आप लोगों ने नाम सुना है, वेरी गुड। कौन कौन गया घूमने के लिए, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों उसका क्या नाम है, कैंचर झील। क्या नाम है, कैंचर झील। उसको किस नाम से बुलाते हैं, करली झील के नाम से पुकारते हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसनूई झील है। सर्दियों में झील पर दुनिया के सर्द तरीन इलाकों के परिंदे आते हैं और मौसम बदलने पर वापस चले जाते हैं। इन परिंदों को देखने और इनका शिकार करने दूर दूर से लोग करली झील पर आते हैं। गर्मियों में यहाँ पर लोग सैर व तफरी और कश्ती रानी के लिए भी आते हैं। तो प्यारे बच्चों बात क्लियर हो गई आपको, वेरी गुड। तो झील समझ में आ गई, झील क्या होती है, झील पानी का ऐसा ज़खीरा जिसके चारों तरफ क्या मौजूद हो, खुश्की मौजूद हो। ये मीठे पानी की भी हो सकती है और किसकी हो सकती है, खारे पानी की भी हो सकती हैं। और ये जो पानी है ये दरिया के ज़रिए, बारिशों के ज़रिए और इसके अलावा आपका नदियों के ज़रिए, सही है, ये कहाँ दाखिल होता है, झील के अंदर दाखिल होता है। झीलें बनाई भी जा सकती हैं और झीलें कुदरती तौर पर भी होती हैं, सही है। झीलें बनाई भी जा सकती हैं और क्या होती हैं, कुदरती तौर पर भी हो सकती हैं, मसनूई भी हो सकती हैं और कुदरती तौर पर भी हो सकती हैं, ठीक है। पाकिस्तान की एक झील है जिसका नाम क्या है, करली झील। क्या नाम है, करली झील। करली झील कहाँ की झील है, पाकिस्तान की एक झील है जो कि मसनूई झील है। कौन सी झील है, मसनूई, एक मिनट देख लेते हैं हम। कौन सी झील है, मसनूई झील है, पाकिस्तान की मसनूई झील है। ठीक है, इसके अलावा दुनिया के सर तरीन जो परिंदे हैं जब वहाँ का मौसम चेंज होता है, वहाँ पे गर्मियाँ पड़ती हैं तो वहाँ से मूव करके यहाँ पे आते हैं, और जब यहाँ का मौसम तब्दील हो जाता है तो यहाँ से मूव करके वापस वहाँ पर चले जाते हैं। और इन परिंदों को देखने के लिए, इनका शिकार करने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं इधर, और इनका शिकार भी करते हैं, उनका जो है वो देख के लुत्फानंदोज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बात क्लियर हो गई आपको, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे ये कहाँ पर मौजूद है, ठट्टा के, ठट्टा के नज़दीक मौजूद है। ठट्टा के नज़दीक मौजूद है, क्लियर हो गई बात, वेरी गुड।
इसके अलावा गर्मियों में लोग यहाँ पे सैर तफरी के लिए भी आते हैं और कश्ती चलाने के लिए यानी कश्ती में घूमने के लिए भी आते हैं। सही है, बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आप में से कौन कौन गया है कर लीजिए, मज़ा आता है वहाँ पे। जी मैं तो गया हूँ एक दफ़ा, तो वहाँ पे जो है बिल्कुल ऐसी है, सही है। ठट्टा पहले जाते हैं, ठट्टा से होते हुए फिर वहाँ पे कहाँ जाते हैं, करली झील जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सही है, आप लोग भी घूमने जाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। मसनूई झील है, ठट्टा के नज़दीक मौजूद है। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने झील के बारे में सीखा कि झील क्या होती है और पाकिस्तान में कौन सी झील पाई जाती है। झीलें मसनूई भी हो सकती हैं और कुदरती भी हो सकती हैं, ये मीठे पानी की भी होती हैं और नमकीन पानी की भी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब क्लास वर्क देख लीजिए, क्लास वर्क में आपको क्या काम करना है, क्लास वर्क में आपको सवालात, पहला सवाल, पाकिस्तान के कितने दरिया हैं, नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, कितने दरिया हैं पाकिस्तान के, वेरी गुड, पांच दरिया हैं। कौन कौन से दरिया, सजलत, दरिया चालम, दरिया रावी, दरिया चिनाब, दरिया सिंध, ठीक है। ये पांच दरिया किसके हैं, पाकिस्तान के हैं। आप इन तमाम के तमाम पांचों के कहाँ लिखेंगे, इसके अंदर नाम लिखेंगे बिल्कुल लाइन वाइज, ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल, झील क्या होती है, झील क्या होती है। तीसरा सवाल, झील क्या होती है, प्यारे बच्चों, ये पानी का ऐसा जखीरा जिसके चारों तरफ क्या मौजूद हो, खुश्की मौजूद हो, क्या कहलाती है, झील। झील मसनूई भी हो सकती है और कुदरती भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान की सब से बड़ी मसनूई झील कौन सी है। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसनूई झील कौन सी है। प्यारे बच्चों, आप सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे करले झील, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसनूई झील कौन सी है, करले झील, तो आप ये खुद करेंगे। तो बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। वीडियो पॉज करो, तीनों के सवाल आपके जवाब लिखें, ठीक है, लिख लिया, सही। अब होमवर्क में देख लें आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको होमवर्क में क्या करेंगे, झील और नहर के दरमियान कोई दो फर्क लिखिए। प्यारे बच्चों, झील और नहर के दरमियान आपको क्या करना है, दो फर्क लिखने हैं। सही है, बात समझ में आ रही है। जी झील क्या होती है और नहर क्या होती है, इनके दरमियान में आपको क्या करना है, फर्क लिखना है। क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाने के बाद सेंटर के अंदर लाइन खींचेंगे, सेंटर में लाइन खींचने के बाद ऊपर लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे झील और दूसरी तरफ लिखेंगे नहर। सही है, नहर क्या होती है उसके बारे में बताएंगे, कैनाल, ठीक है, ये इंसान अपने मकसद के लिए इसको बनाता है। सही है, झील क्या होती है, पानी का वो हिस्सा, पानी का वो ज़खीरा जिसके चारों तरफ खुश्की मौजूद हो, क्या कहलाती है, झील कहलाती है। ये मसनूई भी हो सकती हैं, कुदरती भी हो सकती हैं, ये इसको इंसान बनाता है। सही है, इसको इंसान बनाता है, इनसे ये इसको इंसान बनाता है, ये मसनूई होती हैं, ये कुदरती नहीं होती हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो आपको ये काम करना है, झीलों नहर के दरमियान कोई दो फर्क लिखने, तो आप ये काम कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक
जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें हम जो है वो हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया, समंदर के बारे में पढ़ लिया, बहर के बारे में पढ़ लिया, दरिए के बारे में पढ़ लिया और नहर के बारे में पढ़ लिया और झील के बारे में, हमने पांच चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। लास्ट चीज़ है हमारी तालाब, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि तालाब क्या होता है, सही है। लास्ट पीरियड में हम क्या स्टडी करेंगे, तालाब के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये काम कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।